और खबर गुजरात के मोरबी से ही, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। केबल पुल टूट जाता है और इस पूरे हादसे में लगभग 100 लोग हैं जो नदी में गिर जाते हैं। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त पुल पर 400 लोग मौजूद थे। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हादसे के समय पुल पर सैकड़ों लोग सवार थे जो कि सीधे तौर पर नदी में गिरते हुए नजर आए। हालांकि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उन लोगों को नदी से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। गुजरात के मोरबी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। जनक दवे मेरे सहयोगी मौजूद है। जनक, क्या कुछ अपडेट, 100 लोग जो कि नदी में गिरे थे उनको लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सूत्रों से बात हुई, उसके बाद नगर पालिका के जितने संसाधन थे सबको जुटाए गए हैं और वहां पर लोगों को राहत बचाव के लिए भेजा गया है। 400 जब ये दुर्घटना हुई समय 400 से ज्यादा लोग उस समय पुल पर थे, जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं। ऑफिशियल आंकड़ा या एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं उस पर दावे के साथ कह सकता, लेकिन 100 से ज्यादा लोग हैं जो पानी में गिरे। उसमें से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी स्थिति क्रिटिकल है। उनको जब आपके अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है, तो ये हताहत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने खुद जिला प्रशासन से इस मामले में बात की है। आसपास के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है कि जितना जल्दी हो सके पहले लोगों को वहां मदद के लिए पहुंचाए, और इसलिए चलते लोगों के लिए मदद के लिए वहां पर टीमें बाकी के जिलों से भी वहां पर पहुंच रही है। और जितना जल्दी हो सके वहां पर, चूंकि अंधेरा है तो रात का वक्त है, जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो इसके चलते, रात बचाव में कोई दिक्कत ना हो इसके चलते, वहां पर बिजली और बाकी सारी चीजें आपूर्ति करने के लिए भी इसके आदेश दे दिए गए हैं। तो युद्ध स्तर पर ये काम होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री की ओर से सीधे आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन को। लेकिन जिला प्रशासन की जाहिर सी बात है इतने संसाधन नहीं है, ऐसे में बाकी के जो पड़ोसी जिले हैं सुरेंद्रनगर और राजकोट, वहां से भी जो दमकल के कर्मी हैं उनको मदद के लिए वहां पर पहुंचाने के लिए कहा गया है। ठीक है जनक, लौट रहे हैं आपके पास में। इस बीच हम अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त ये पुल गिरा है 400 लोग लगभग इस पुल पर सवार थे और वो अचानक पुल टूटता है, जिसमें कि 100 लोग नदी में डूब गए हैं, नदी में गिर गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जनक, की जो पहली तस्वीर हम देख रहे हैं डरा रही है तस्वीर, देखिए किस तरीके से जब पुल गिरा है, आनंद फानंद में जो लोग पुल पकड़ सकते थे उन्होंने पुल का सहारा लिया और लटके हुए हैं, जो तैर कर बाहर निकल सकते उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल, ये जो घटना हुई वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि केबल पूरा हेरिटेज ब्रिज है, राजा रजवाड़ाओं के वक्त में ये पुल बना था और उसके बाद मरम्मत के लिए उसको बंद भी किया गया था। एक निजी कंपनी को कुछ समय पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि इसको मरम्मत भी की जाए, और उसके बाद दिवाली के 2 दिन बाद ही इसको आम लोगों के लिए खोला गया, लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं हुई है। जो भी हो, लोग अपने बचाव के लिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो केबल का हिस्सा था उसको पकड़कर जान बचा रहे हैं, वहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो स्थिति अभी कमोबेश यही है कि लोग, 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको किस तरीके से बचा जाए। नगर पालिका, चूंकि ये जो मोरबी शहर है वो नगर पालिका में आता है, तो वहां पर नगर पालिका के सारे जो संसाधन है दमकल के, वो हालांकि इतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी बड़ी कोई त्रासदी को कंट्रोल कर सके, और इसी के चलते राजकोट से और सुरेंद्रनगर के पास में से लोगों को, या कहें सामख्याली पास में पड़ता है कच्छ का, तो वहां से जितना हो सके वो संसाधन जुटाने के लिए फिलहाल अभी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि प्राथमिकता, सबसे ज्यादा प्राथमिकता यही है कि लोगों को बचाया जाए। पानी ज्यादा है, चूंकि मच्छू बांध से जो पानी छोड़ा गया उसके चलते जो मच्छू नदी है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मच्छू नदी की तस्वीर है, और मच्छू नदी में पानी ज्यादा होने के चलते कई लोग, सभी को तैरना नहीं आता होगा जाहिर सी बात है, और लोगों ने एक दूसरे को मदद भी की होगी, लेकिन सबको इस समय की स्थिति ऐसी होगी कि पहले लोग अपनी जान बचाए, और उसके चलते हताहत का आंकड़ा जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हताहत का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। कितने लोग हैं अंदर ये अभी जानकारी नहीं, क्योंकि जैसे जितने लोगों को पानी में से बाहर निकाला जा रहा है उनको पास के अस्पताल में फिलहाल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल, अभी प्राथमिकता यही है कि जितने लोग इस नदी में गिरे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि यहाँ पर संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में अलग अलग जिलों की कई टीमें जो है इस वक्त मोरबी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी जनक दवे हम तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हताहत लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो नदी में गिरे हैं उन्हें तैरना नहीं आता है, क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरे का वक्त है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो कि लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ साथ ये कह दिया गया है कि प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि जितने लोग भी नदी में गिरे हैं उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए, उनकी जान पर किसी तरीके का कोई संकट पेश ना आए। जनक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जनक, क्योंकि इस वक्त आप कह रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, स्थानीय लोग भी लगातार
मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई है लोगों की तरफ से, ताकि जो लोग बचाए जा सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द नदी के बाहर लाया जाए। ऐसे में अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है कि कितने लोगों की मौजूदगी है नदी के भीतर? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंकड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन देने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी जब दुर्घटना होती है तब ऐसी कोई कितने लोग पुल पर गए ये भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। चश्मदीद जो बात जानकारी पुलिस को बता रहे हैं या चश्मदीद जो एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं वो वही बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोग उस समय पुल पर थे, और जब जो हिस्सा गिरा, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा नहीं गिरा, उसका जो मीट से लेके एक छोर का हिस्सा था वो गिरा है, और वहां पर जो लोग थे वो पानी में गिरे, और वो आंकड़ा 100 से ज्यादा का हो सकता है। और अभी जो मानव श्रृंखला बनाकर लोग जो मदद कर रहे हैं उसमें भी ज्यादातर लोग बेहोशी की हालत में उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो वो हताहत ही दिखा रहा है कि सीधी तौर पे हताहत ही हो सकते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा जिला प्रशासन और जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स होंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता, मैंने वही कहा, जिला प्रशासन के पास फिलहाल अभी नगरपालिका के संसाधन है, उससे अभी उभरना है। राजकोट या कच्छ या सुरेंद्रनगर से जो भी मदद पहुंचेगी उसमें वक्त लगेगा, उनमें दो से तीन घंटे और लगेंगे। उसमें मैं एक राहत की बात यह है कि बांध से जो पानी छोड़ा है उसमें तेज बहाव नहीं था, नदी में स्थिर पानी था। ऐसे में जो बड़ी दिक्कत आती है जब तेज बहाव होता है पानी में, तब आप ज्यादा लोगों की हताहत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पानी का बहाव तेज नहीं है और स्थिर पानी है, ऐसे में हो सकता है कि ज्यादा लोगों की जान भी बच जाए इसमें। तो कोशिश जिला प्रशासन की ओर से भी यही है, लेकिन बात यही थी कि मेंटेनेंस के नाम पर पिछले सात महीने से ये पुल बंद था, उसको मेंटेनेंस किया जा रहा था, और ऐसा क्या मतलब दो दिन पहले ही उसको आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, तो कितना मेंटेनेंस पुअर रहा होगा या मेंटेनेंस हुआ भी होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेंटेनेंस के बाद उसकी बकायदा टिकट प्राइस तय की गई थी, जो भी होगा उसको, चूंकि मेंटेनेंस जिसने किया है वो कंपनी ओरेवा अजंता जो कंपनी है जो घड़ियाल बनाती घड़ी बनाती है, वो उन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और उसके बाद ये स्थिति आई कि अब जहां पर मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ वो उस पर कार्रवाई आने वाले समय में होगी, प्रशासन अपने हिसाब से करेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो अभी प्राथमिकता यही है कि जो आम लोग वहां पर जो पुल पे उस समय सैर करने के लिए निकले थे, शाम का वक्त था, रविवार का वक्त है, इतवार है, तो लोग परिवार के साथ वहां पर घूमते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब लोग वहां पर थे उस पुल पर, और ये पूरी तरीके से उसका केबल ब्रिज का हिस्सा गिरा है, और उसमें 100 से ज्यादा लोग, ये आंकड़ा अभी भी आंकड़ा मैं कहता हूँ फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि इसकी आधिकारिक जानकारी जिला प्रशासन के पास भी नहीं है कि कितने लोग होंगे। अभी जानकारी यही है कि 100 से ज्यादा लोग पानी में गिरे हैं और उनको बचाने की कोशिश जा रही है। ठीक है, जनक लौट रहे हैं आपके पास में, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस नदी पर बना हुआ ये पुल अचानक जब गिरता है तो किस तरीके से लोग देखिए नदी में गिर जाते हैं। 400 लोग लगभग इस पर सवार बताए जा रहे थे, लेकिन 100 लोग नदी में गिर चुके हैं जिनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हम आपको एरो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग नदी में गिरे हैं वो किस तरीके से जो पुल का केबल है उसके सहारे अभी भी लटके हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी ऑफिशियल आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जनक दवे जिनके पास अभी अपडेट ये है कि 100 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त नदी में गिरे हैं। हालांकि ये केबल पुल आप देख रहे हैं जो कि मच्छू नदी पर बना है, और साथ ही 7 महीने से ये पुल बंद था क्योंकि मरम्मत का काम लगातार जारी था। प्राचीन ये पुल है, हेरिटेज ये पुल है, और ये देखिए नदी के आसपास किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही यह हादसा होता है जितने भी लोग आसपास थे, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले ये पुल ओपन किया गया था आम लोगों के लिए, ऐसे में हो सकता है कि भारी तादाद में लोगों की जो संख्या है वहां पर पहुंची है और उस भार को ये पुल झेल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही यह हादसा पेश आया आसपास के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने लेवल पर मदद पहुंचाने की कोशिश की, मानव श्रृंखला बनाते हुए नजर आए, और ऐसे में जो प्रशासन की टीम है वो भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ ही राजकोट और सुरेंद्रनगर से भी टीमें पहुंचने वाली है मोरबी। हम आपको हर एक तस्वीर इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अब मानव श्रृंखला बनाकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू में जुट चुके हैं मोरबी में जो पुल टूटा है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हादसे के बाद की तस्वीर है, जब ये पुल टूटा तो किस तरीके से लोग उसी पुल का सहारा लेकर वहां लटक गए हैं। अचानक से बीच में से ये पुल टूट जाता है, 100 लोग पानी में गिर गए हैं, 400 लोग लगभग उस वक्त पुल के ऊपर थे। राहत बचाव का काम जारी है। जो आसपास के जिले हैं, सुरेंद्रनगर हो चाहे राजकोट हो, जो आसपास के जिले हैं वहां से भी रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है, क्योंकि मोरबी में भी जो रेस्क्यू टीम है वो कम पड़ सकती है, लिहाजा जो बाकी जिले हैं जो सीमा से लगे हुए जिले हैं वहां से भी टीमों को
मनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महीने से इस पुल की मरम्मत हो रही थी। हेरिटेज पुल है, बहुत पुराना पुल है, लेकिन 2 दिन पहले ही इस पुल को खोला गया। कहां आखिर लापरवाही होती है? कैसे 7 महीने से जो पुल मरम्मत में था अचानक से वो गिर जाता है, जब रविवार के दिन इस तरीके से वहां पर लोग पहुंचते हैं। तो न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बड़ा हादसा पेश आया गुजरात के मोरबी में। हालांकि अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जितने लोग नदी में गिरे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी जो तैयारी यहां पर की गई है वो इस लिहाज से की गई है क्योंकि 100 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है लोगों की। ऐसे में बहुत से लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि गनीमत अभी फिलहाल ये देखने को मिल रही है कि किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। लोग हताहत जरूर हुए हैं, उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जनक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जनक, क्योंकि सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि जितने भी लोग नदी में इस वक्त हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना समय लग सकता है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं? बिल्कुल, स्थिति तो अभी ऐसी, आप लोगों के तस्वीरों में भी देखे तो लोग मोबाइल की जो टॉर्च लाइट होती है उससे वहां पर मदद वहां पर पहुंचा रहे हैं। यानी इतनी भी स्थिति अब वहां पर ऐसी है कि पूरी लाइट्स भी वहां पर नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला प्रशासन, अभी जो मेरी बात हो रही थी वहां पर, कि जिला प्रशासन ने अभी पहले लाइट्स का इंतजाम करने के लिए कहा है, चूंकि गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उससे, चूंकि तुरंत घटना हुई है, 6:45 का वक्त बताया जा रहा है जब ये अंधेरा होने की तैयारी था और उसी समय पर ये दुर्घटना हुई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा अचानक से कोई दुर्घटना होती है। जाहिर सी बात है, दुर्घटना में किसी को अंदाजा नहीं होगा इस तरीके का कोई होना है, तो कोई इस तरीके से तैयार भी नहीं था। और रविवार का दिन होता है, लोग क्योंकि अभी दीपावली का मौसम चल रहा है तो यहाँ पर लापंचमी तक, कल तक पूरे बाजार और सारे बंद रहते थे, तो सरकारी अधिकारी भी आज संडे के दिन छुट्टी भी थी। ऐसे में अब चूंकि तुरंत ये घटना हुई उसके बाद सारे अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, और सबसे पहले वहां पर जो ऑपरेशन में दिक्कत ना आए ऐसी सारी लाइट्स की और बाकी व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। बिल्कुल, रात का समय, इसीलिए ऑपरेशन में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।